हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगा ऑडी A6 के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका जो फॉल्ट है गाइस, इसमें AC का ब्लोअर मोटर सारे ऑन हो रहा है बट इसमें कूलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको गाड़ी को स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका अंदर में क्या फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इग्निशन ऑन पोजीशन पे है और मैंने इसको ऑलरेडी स्कैन करके रखे है, आप देख सकते हो। इसका जो है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन, ब्रेक, एक्सेस, मीडिया प्लेयर है, वो सारे चीज़ें जो है नॉर्मल है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल का ऊपर आ रहा है EO111300 फंक्शन लिमिटेशन ड्यू टू रिसीव्ड माल फंक्शन वैल्यू। ठीक है, वो एक फॉल्ट आ रहा है। और दूसरा आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल इलेक्ट्रिक 00256 सेंसर फॉर रेफ्रिजरेंट प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो 00256 जो सेंसर है वो है हम लोग का अपना गाड़ी में जो रहता है AC हाई प्रेशर स्विच, AC का पाइप में जो गैस है वो कितना है उसके लिए वो प्रेशर स्विच को रखे है। अगर वो प्रेशर स्विच काम नहीं करेगा तो आपका AC ऑन नहीं करेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, प्लस फैन भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इसका जो सेंसर है वो कहाँ पे है और सेंसर में क्या वोल्टेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो है इंजन का व्यू है। ठीक है गाइस, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कवर लगा हुआ रहता है, ये बम्पर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको दो क्लिप मिलेगा, उसको आपको निकलना है और निकाल के जो है आपको इसको इजी आपको बाहर ले लेना है इसको। ठीक है, और दूसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सेंसर जो है ये अपना कंडेंसर है AC का, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तीनों एयर के प्रेशर सेंसर है, AC प्रेशर सेंसर। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि स्कैनर में इसका जो रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इस आप कहाँ से ये सेंसर का जो है प्रेशर वायर जो है वो आप रीडिंग कर सकते हो, या आप स्कैनर का मदद से इसको आप चेक कर सकते हो। आपको जैसे कि ये सेंसर दिखा रहा है इलेक्ट्रिक सेंट्रल इलेक्ट्रिक मॉड्यूल में, तो सिंपली आप इसको ही क्लिक करना है, क्लिक करके उसका अंदर जाना है और उसमें डाटा स्ट्रीम रहेगा उसमें आपको चेक करना है। आपको मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपना रेड डाटा स्ट्रीम 08 नंबर पे है, उसका हम सिलेक्ट करते और इसमें लिस्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे नीचे आते रहना आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट प्रेशर सिग्नल, इसको आपको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है वैल्यू बार जो है वो 0 है। तो यहाँ पे अगर ये प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ठीक है गाइस, कंप्रेसर इसलिए ऑन नहीं होगा कि कंप्रेसर अगर बिना गैस से चले तो कंप्रेसर इसका ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए वो ऑन नहीं करता है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने AC का जो है मीटर यहाँ पे लगाया और यहाँ पे आप गैस देख सकते हो इसका 100 का ऊपर है, 100 और 150 का बीच में ओडी का अंदर ये AC जो है ऑन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो सिग्नल दे रहा है वो 0 है, तो इसका मतलब हमारा सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है, या तो सेंसर ख़राब है या तो वायरिंग का कोई इशू है। सबसे पहले हम जो है इसका वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो है कपलर को निकाल देते हैं। ठीक है, कपलर को निकाल के आपका पास एक LED रख लेना चाहिए ऐसा, जो काम करने के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो हम अभी चेक करते हैं इसको बिना LED के, आप मल्टीमीटर पे आप चेक कर सकते हो।
यहाँ पे देखिए इसका जो है मैंने दो तारों पे लगाया और यह जो है सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सिग्नल का वायर है वो सही है। और अभी हम करते हैं दूसरी वायर के ऊपर इसको पिन को लगा के चेक करते हैं। ये देखिए ये बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रेशर स्विच का जो वायर है वो बिल्कुल सही है। और अभी आप देख सकते हो मैंने अभी इसका प्रेशर सेंसर का जो वायर है वो मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे आप स्कैनर पे देख सकते हो वो सिग्नल का जो वैल्यू है वहाँ से 0-0 हट गया है, ठीक है। और हमारा लाइट यहाँ पे जल रहा है, तो इसका जो है तीनों तारों में इसका करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका वायरिंग सही है। इसका हो सकता है इसका स्विच ख़राब रहेगा, तो हम अभी करते हैं इसका एक स्विच का अरेंज और चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो गाइस अभी मैंने दूसरा सेंसर मंगाया, ठीक है, सेम सेंसर, और अभी हम करते हैं इसको चेंज। ये 24 का आता है, ये लॉस हो गया, अभी हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं वो दूसरा वाला डाल के। ये देखिए छोटा सा एक आवाज़ आया, तो यानी कि गैस जो है इसके अंदर में है। तो अब हम डाल रहे हैं न्यू वाला प्रेशर स्विच, देखिए ये इंस्टॉल करना इजी है। ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा, बस अब मैंने उतना ही टाइट किया है। और अभी हम इस वायर को लगा के उसका जो है रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने वो वायर कनेक्ट कर दिया, और वायर कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे जो है इसका जो है रीडिंग चेंज हो गया, 7.18 आ रहा है। तो गाइस इसका मतलब हमारा जो है प्रेशर स्विच वो ख़राब था, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चेंज कर दिया। और अभी हम करते उसका जो है फॉल्ट को क्लियर। सारे चीज़ को क्लियर कर देते, एक बार क्लियर करके गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते कि हमारा वर्किंग परफेक्ट है नहीं है। यहाँ पे देखिए गाइस पूरा जो है फॉल्ट क्लियर हो चुका है, ये ज़ीरो में है। अभी हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट एंड चेक करते हैं कि कूलिंग आ रही है या नहीं। अब हम करने जा रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट, ये मैंने कर दिया कार को स्टार्ट। एंड अब हम चेक कर लेते हैं इसको ऑटो में रख के एसी ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एसी ऑन हो गया, और कूलिंग भी आ रहा है, कूलिंग आना भी महसूस हुआ है मेरे को। ये देखिए कूलिंग भी आ रहा है ज़बरदस्त। तो गाइस आप जो है मेरा वीडियो देखे हैं, और उम्मीद है कि आपको एसी प्रेशर स्विच के बारे में पता हो गया होगा। अगर आपका किसी भी गाड़ी में ऐसा एसी का कंप्लेंट आ जाए तो आप स्कैनर का मदद से या तो एलईडी के बल्ब के मदद से उसका जो है प्रेशर स्विच का सिग्नल को आपको चेक करना है, चेक करके आपको देख लेना है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।